कबीरदास कैसे रामदास रामदास।
को पर पंच किया
देखे बुझे सब किछ जाने अंतर बाहर रव रहया प्रसन्न होने वाला खिलाड़ी उनका नाम की है गुरबाणी को पूछिए लगे हाँ उनका नाम पार ब्रह्म परमेश्वर है पप्पे पातशाह परमेश्वर वेखण को प्रपंच किया उन्हें अपनी खेड आप वेखण लई एक प्रपंच खेड रचा लई वेख भी की हो रहे देखे बूझे सब किछ जाने अंतर बाहर रव रहा हर थां पे उनकी पहुंच है हर थां में वो देखता भी है बुझता भी है जानता भी है कि कोई की कर रहे हैं आगे जाके कहते ने बाजी खेलने लगा वो खिलाड़ी एक बाजी रचता है खेल रचता है कैरमदास बाजी जग भाई खेल रचना है ते चारे जोग मानो उन्हें एक चौपड़ बना ले चौपड़ की एक खेड है जिन्हों शिशु प्रांत की खेड भी बदल में रूप में कह देने पासे की खेड भी आख देने बुजुर्ग पासे की खेड आख दे सन उनके चौपड़ होंगे सन चौपट का मतलब होंगे दो पासियां नूं जोड़ के दरम्यान विच वो फिर चार हिस्से चार पट बन जाते हैं मानो चारे जुग उस खिलाड़ी दे चौपट ने चार पट ते जिन्हियां गीटियां नर्दा उन्हूं सारियां आखदे तो एक थां ते दरम्यान विच रख दिंदा ते उन्हां नूं चलन की इजाजत दिता है वो हर दा नाल चल दिया ने हर दा नाल चल दिया ने जिन्हां ने चौपड़ की खेड वेखी उन्हें पता है पर वो दा भाव हुक्म वो किसी होर दा नहीं खिलाड़ी आप खेड रहा है पासा टाल रहा है हथ चलाए हुए सुटदा है उनके विचों हुक्म जन्म लैंदा है ते उस हुक्म मुताबक वो सारियां चल दियां ने गुरु ने बाणी विच एग्जाम्पल दिते कहन लगे बब्बे बाजी खेलन लागा चौपट दी ते चार जुगा जंत सब सारी कीते जिन्हें जीवन
ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੀਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਓ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਢਲਦਾ ਹੈ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦਾਓ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲਣ ਆਪ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਰੱਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਹ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਜੀਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
जानना चाहना वो मौला कौन है। काश कभी असी श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की गलवकड़ी में आ जाइए, कोई फर्क ना रहे। अज कि अजीब गल है, साढ़े जीवन का मुख विशा गुरु के जीवन का मुख विशा जिन्हों से परमेश्वर आखने हैं, दूजे लफ्जा में मौला आखने हैं, सानू वही नहीं पता लग रहा। गुरु को पूछ मौला कौन है, कि वो मिट्टी का पुतला है ये तू आखे भी जेड़ा नचन वाला है, करन वाला है, देखन वाला मैनू दिसदा पे वो हो ही रब है, फिर वो मिट्टी का पुतला होया ना, या काठ की पुतली होई, खिलावन हार दी तो गल खत्म हो गई। जिन्हें असि खिलावन हारे नहीं समझते उन्नी देर साढ़े वास्ते मिट्टी का पुतला ही मौला है। गुरु को पूछिए जी मौला तो आख दिता जी, मौला खेल करे सब आपके, ये भी दस दौ मौला मौला की परिभाषा है, सहारे संसार दा आसारा अडंबर मौलिया होया है, जरा सानू बड़ा चंगा हरिया भरिया लगता है, हर पासे रौनक नजर आउंदियां ने, फुलां दियां फुलवाड़ियां रंग बिरंगे फुल ने, उन्हां उपर टहकदे ते फिरदे टिटाने ने, उन्हां ते गुंजा पाउण वाले भंवरे ने, हरे भरे दरख्तों दी टहनियां ते कोयलां बोल रहियां ने, ये केडे खूबसूरत लगदे ने, केडे खूबसूरत लगदे। पर गुरु आखदा काश कदी तैनू इन्हां विच हरियावल भरन वाले दा ख्याल आ जाए, तू खेड नूं देख रहे ते आख रहे कुदरत ही रब है, खेड तैनू खेड माणी नहीं देखने, खेड की खूबसूरती देखते तेन खिडारी चेते आना चाहिए। ठीक नहीं लगता पर मेरे सामने एक एग्जाम्पल आ गया, करैक्टर ने बड़ा खूबसूरत कहता, कोई फकीर कोई साधु लिबास में फकीर बाजार में गुजर रहा सी, गुजरद्या ओ थां तो भी लंघिया जिथे वेसवा का चुबारा सी, खूबसूरती का अडंबर बना बैठी वेसवा, फकीर का ध्यान गया, एग्जाम्पल दिंदा है, फकीर का ध्यान गया ते देख के कुछ देर लिए खलो गया, देखता रहा, इस बारे सोचिया खरे मेरे रूप ते मेरी सुंदरता ते मोहित हो गया, ये कि तो फकीर है, इन्हों अपने ये भी ख्याल नहीं कि मेरा लिबास की मेरा पहरावा की मेरा पेट की, फकीर बन के इहदा ध्यान मेरे वाले पासे क्यों गया ते इन्नी देर देखण दा इहदा मजाज चाओ क्यों पैदा होया। ते ओह शायर कहिंदा उहने ताना मेहना मारिया जगाण लई फकीर नूं, मैं केवल एग्जाम्पल देण चाहुंदा, मेहना मारिया कहिण लगी
जो आबरू के देखे अलम देखते हैं वो अपना सिर पहले कलम देखते हैं, वो अपना सर पहले कलम देखते हैं। जो गैरों की सूरत पे होते हैं आशिक हमेशा वो रंजो ही गम देखते हैं। वो फकीर है, कहने ने फकीर ने एक गल सुनी ते जवाब देता, वो जवाब बड़ा खूबसूरत कहता, न तुझ से गर्ज है न सूरत से तेरी, न तुझ से गर्ज है न सूरत से तेरी, मुशव्वर की हम तो कलम देखते हैं। तेरे नाल कोई संबंध नहीं, मैं तेनु की कर, मैं तेरे देखना तेनु बनाया कि नहीं है। यह गल बाबा कबीर जी ने आखी सी, ओए जोगी स्वयंवर तारे, कुदरती आ चीज खूबसूरत है, खूबसूरत है कुदरत, खूबसूरत आखना माड़ी गल नहीं, समझना माड़ी गल नहीं, क्योंकि उन्दे विच रब वसदा है। रब ने अपना घर बनाया है कुदरत नूं, कुदरत करके वसिया सोए, इन्दे विच कोई दो रहण नहीं, उन्हें अपना घर बनाया है, खूबसूरत होएगा इन्दे विच कोई शक नहीं, खूबसूरत है, उन्हें सजा के रखा है, हरिया भरिया बना के रखा होया है। पर अगले पास एक लफज भी तो कह देते ओए कि कुदरत तां खूबसूरत है, उन्दे विच आसमान ते चमकन वाले तारे भी गिनती विच आ जांदे, वो भी कुदरत दा हिस्सा ने। बाबा कबीर जी ने आख्या, ओए जो दिसे अंबर तारे, खूबसूरत ने कुदरत है, मैनू कुदरत दी खूबसूरती ते माण है, पर पढ़िया मैं तां तेरे ते अगला सवाल करना चाहना, वो सवाल यह है कि किने चीते चीतना है, बस आना आप पहुंच गए हैं। अंबर दे तारे तेनू चंगे लग रहे हैं, चंगी गल है, पर इन्हां नू चीतन हराना बनाया, इन्हां नू रब ना आखे नू बनान वाला पे हो रहा है, बस आज ये भेद दरमियान विचों कट गए, ये दीवार है। कबीर जी का ख्याल है, कोई जो दिसे अंबर तारे किन वो चीते चीतन हारे, कहो वे पंडित अंबर कास्यो लगा, कहो रे पंडित अंबर कास्यो लगा, बुझ है बुझ नहार सुभागा, भागा वाला तो वह है जिहड़ा तारे नहीं तारे नू चीतन हारे नू परखदा है देखदा है, सुभागा तो वह है जिहड़ा अंबर नू नहीं कहो रे पंडित अंबर कास्यो लगा बारे सोचदा है। कुदरत महान है, पर एक ख्याल करी कह लगे मैं ओनू महान आखना जेड़ा कुदरत नू साजन वाले नू दूजी कुदरत साजिए, जेड़ा साजदा है बनांदा है, जिन्हें कुदरत नू एक खूबसूरती दित्ती उसनू पछाण है। कह लगे इसलिए इन्ना फर्क पै गया, सतगुरु के बाणी विच आखिया, कहन लगे मैं तो मौला कहिंदे ही उसनू आ जवाब सी, करके रखे हैं मौला तो वो है, सर्वभूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखनहारा। बड़ा सूक्ष्म जा भेद है जितों तेरी मेरी दूरी खड़ी है, सर्वभूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखनहारा, सब समगरी जानता तना, अपन जस आप ही सुना, अवन
ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਵਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਲਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਲੱਬ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਿਰ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਆਖਿਰ ਅੱਖਾਂ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਆਖਿਰ ਮਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਲੱਬ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਸ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇਂਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਚੋਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕਾਰਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਈ ਮੌਲਾ ਜਿਨ ਜਗ ਮੌਲਿਆ, ਹਰਿਆ ਕੀਆ ਸੰਸਾਰੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਖਾਕ ਜਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਢੇਲਾ ਆ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰ ਲਓ, ਟੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਲਾ, ਸਾਬਤ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਗਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁੱਛ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ। ਧਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਡੁੱਬੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕੇ ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੋਈ ਮੌਲਾ ਜਿਨ ਜਗ ਮੌਲਿਆ, ਹਰਿਆ ਕੀਆ ਸੰਸਾਰ, ਆਪ ਖਾਕ ਜਿਨ ਬੰਦ ਰਹਾਈ, ਆਪ ਤੇ ਖਾਕ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਲਓ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਕਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਨੀ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਸਹੀ, ਆਪ ਖਾਕ ਜਿਨ ਬੰਦ ਰਹਾਈ, ਧਨ ਸੁਰਜਨ ਹਾਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਨ ਸੁਰਜਨ ਹਾਰੋ ਤਾਂ
बल्कि गुरबाणी अंदर एक लाइन आई कह लगे आलम दुनिया है। अगले पासे कहने लगे आसमान जमीन दरखत आप पैदाइश खुदा है जमीन ते आसमान दरखत ते पानी ये सारे उस खुदा दी उस मौला दी पैदाइश ने बनाए हुए ने जिन्हों तो कुदरत आके मौला समझी कोई गल श्री गुरु ग्रंथ साहब ने छुपा के नहीं रखी असी समझिए ना समझिए देर ना समझिए अज समझिए ये साड़ी मर्जी है। यो गल बाबा रविदास ने आखी कह लगे काश कदी तेनू पता लग जाए ये संसार उस खिलाड़ी की एक बाजी है बाजी करी है। पर कहन लगे बाबा रविदास कहन लगे दुनिया के लोगों मैं एक गल स्पष्ट करना चाहना ये संसार बाजी है ये सारी कुदरत एक खेड है पर एक गल समझियो मेरी यारी मेरी दोस्ती मेरा मित्रता ना खेड नाल नहीं खिडारी नाल है। ते जेड़ा खिडारी दा दोस्त हो गया मैं एक बार अर्ज की सड़कां दे कंढे बाजीगर जादूगर अपने खेड तमाशे पै वखांदे होंदे ने ते मैं अर्ज की दो दोस्त इकट्ठे होण उहनां विच इक होवे उस बाजीगर दा दोस्त दूजा आखे जरा ठहर जा लेट हो चले जावे अज आ बालीगर की खेड वेख ली कहना की देखना है ये मेरा दोस्त है मैं रोज जाना जेड़ा रब का दोस्त है ना जेड़ा मौला का दोस्त है ना वो उनकी खेड नू रब समझ के नहीं जीतना ये फर्क यो गल बाबा रविदास ने आखी कह लगे संसार एक खेड है बाजी है पर मेरा संबंध बाजीगर नाल है बाजी नाल में कह लगे कहे रविदास बाजी जग हिस्सा जिमें दरख्तों जीवन दे रहा है जिमें आकाश के उड़न वाले पंछियों जीवन दे रहा है इस तरह सानू भी जीवन दे रहा है असी भी उस कुदरत का हिस्सा पर कादर नहीं भुलना उनके तो अखा नहीं मिटनिया भी रब कोई होर है नहीं असी रब फर्क
सानू ये विश्वास हो गए कि सानू सिरजनहार कोई हो रहा है जिन्हों पाई मेदनी सोई करदा सार है गुरु आख्या जिन पदार्थ तू किया सोई दे आधार घट घट मालिक दिलां का सच्चा परवरदिगार बस ऐ दर याद रखनी है इन्हें शब्दों नाल खिमा दा जा चुका फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।